हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टाइम स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस बायो का, उसके बारे में, यानी कि जैव प्रक्रम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आते हैं सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका टोटल कवर करा दिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से टोटल टॉपिक क्लियर कराया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से स्कूल वगैरह सारे क्लोज हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी का क्लास अभी लगभग नहीं हो पा रहा होगा। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के लिए एक चैनल क्रिएट किया है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे आपका वो सारा क्लियर करवाएंगे। तो जितने भी सगे संबंधी हैं आपके, उन सभी के पास इसका लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें आपका जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो इसको तोड़िए। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको शब्द को डिवाइड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो परिभाषा होता है आपका शब्द में ही छुपा हुआ मिलेगा। तो देखिए, जैव प्रक्रम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है, जैव मीन्स तो जैव ही होगा, प्रक्रम मीन्स होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया कहने का मतलब होता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन सभी को हम लोग प्रक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, हम जो भी काम करते हैं, जिस काम के वजह से हम जीवित हैं या हमारे शरीर के जितने भी अणु हैं वह सुरक्षित हैं, उन सभी कामों को हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। या ऐसे कह लें कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है, सारी प्रक्रियाएं को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, जितना चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका कॉपी में एक नोट्स तैयार हो जाएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, चलिए, तो जैव प्रक्रम समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम मीन्स क्या होता है, जीवों के द्वारा किया गया सारा क्रिया जिसके द्वारा उसका अनुरक्षण होता हो। ओके, यहाँ तक कंप्लीट होगा। उसके बाद जैव प्रक्रम के बाद आता है आपका पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। अब देखिए, पोषण होता है, हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया, हमारे शरीर के आहार नाल में गया, यानी कि जितने भी पाचक ग्रंथियां हैं वो सभी उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़ेगा, और उसके बाद जब उसका पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का हम लोग विभिन्न प्रकार के कामों में करते हैं, तो इसी को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ओके, याद रहेगा। यानी क्या है पोषण, क्या है कि पोषण उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब बात करें पोषण का, तो पोषण के दो टाइप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पोषण के कितने टाइप्स हैं, पोषण के दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करें तो दो टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका मिलेगा कौन सा, एक मिलेगा आपका स्वपोषण। ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या मिलेगा आपका, परपोषण। ये दो टाइप्स होते हैं पोषण का, दोनों टाइप आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने का एकदम आसान तरीका है, किस तरीके से हम दोनों परिभाषा को याद रख सकते हैं। देखिए, यहां पर हम इसको डिवाइड करें, स्व, स्व मीन्स होता है स्वयं, यानी अपने आप, जो जीव अपने आप पोषक तत्व को बनाते हैं, है ना, यानी कहना कि किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रहे, खुद से अपना जो भी भोजन है वह खुद से संश्लेषित कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। यानी कह लें वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। ओके, याद रहेगा। पर पोषण किसे कहेंगे, याद रखिएगा, पर मीन्स होता है पराया, पराया, पराया मीन्स कोई अन्य व्यक्ति, यानी किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर पोषण प्राप्त करना क्या कहलाएगा, पर पोषण कहलाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए, पोषण क्या है, तो पोषण उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ओके, स्वपोषण किसे कहेंगे, तो स्वपोषण क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। जैसे हम बात कर लें स्वपोषण किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों में स्वपोषण विधि पाया जाता है। अब बात आती है कि पौधों में ही क्यों स्वपोषण होता है और जितने जीव जंतु हैं उनमें स्वपोषण क्यों नहीं पाया जाता है। तो देखिए, पौधा में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हरित लवक, और ये जो हरित लवक जिस भी जीव में होगा,
जिस भी जीव में यह हरित लवक होगा उसमें स्वपोषण होगा, यानी कह लें स्वपोषण के लिए अनिवार्य है हरित लवक, ठीक है। और चूंकि पौधों में हरित लवक पाया जाता है इसीलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पौधा जो है वह पोषण के दृष्टिकोण से किस प्रकार का जीव है, तो याद रखिएगा पौधा जो पोषण के दृष्टिकोण से किस प्रकार का, स्वपोषी है। लेकिन जितने भी एनिमल होते हैं उनमें हरित लवक नहीं होता है। अब चूंकि जब हरित लवक नहीं है इसका मतलब है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और वह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह किसी दूसरे जीव से क्या करेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे। तो दूसरे जीव पर निर्भर हुआ, तो दूसरे जीव पर जैसे निर्भर हुआ मतलब पराय जीव पर, यानी पराय जीव से पोषण प्राप्त किया, तब हम उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। तो दोनों पॉइंट उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्वपोषण की बात करें ना तो स्वपोषण का कोई टाइप नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन परपोषण के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक जो जितना टाइप दिया गया है हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें परपोषण का, तो परपोषण को जनरली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। जनरली जो है इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट जो आता है आपका वो आता है मृत जीवी पोषण, ओके याद रखिएगा नंबर फर्स्ट क्या होता है, मृत जीवी। देखिए हम सबको बारी बारी से क्लियर करते चलते हैं। देखो और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको परिभाषा याद रखना है तो आप शब्द पर फोकस करो, शब्द से परिभाषा निकालो। तो देखो इसमें कैसे याद करेंगे, मृत, मृत मीन्स क्या होता है, मृत मीन्स होता है मरा हुआ, ओके। और जीव का मतलब तो जीवी होता है, यानी कह लें कि मरे हुए जीव से पोषण प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, मृत जीवी पोषण कहलाएगा। याद रहेगा मृत जीव से पोषण प्राप्त करना ही मृत जीवी पोषण कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लें, जितने भी कवक होते हैं, जितने भी फंगी हैं, वो सारे आपको मिलेंगे कहाँ, मृत जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हुए। तो जितने भी कवक होते हैं वह क्या है, मृत जीवी होते हैं। चूँकि देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं मरे हुए जो कि उनका शरीर काफ़ी बड़ा होता है, जिसको क्या करता है, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी कह लें अपघटित करता है, क्या करता है, अपघटित करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मृत जीवी होते हैं सभी को क्या कह लें, अपघटित कह लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी जीव हैं अगर वह मृत जीवी है उसमें मृत जीवी पोषण पाया जाता है, इसका मतलब है कि वह मृत जीव से पोषण प्राप्त कर रहा है। तो मृत जीव से पोषण कैसे प्राप्त करेगा, तो मृत जो जीव मरा हुआ है उसके शरीर के सतह से चिपकेगा, ठीक है, और उनके शरीर में जितने भी घुलित कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, उनको तोड़ तोड़ करके, डिवाइड करके, डिकम्पोज करके क्या करेगा, उसके शरीर से पोषण को प्राप्त कर लेगा। यानी यहाँ पर मेन काम क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है किसको, जो मृत जीव है उसको, यानी कि तोड़ रहा है। तो जितने भी मृत जीवी होते हैं सभी को क्या करते हैं, अपघटक करते हैं। ये कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा अपघटक किसे बोलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा अपघटक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जितने भी मृत जीवी हैं सबको हम क्या कहते हैं, अपघटक। या उल्टा करके पूछ लेगा मृत जीवी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से अपघटक। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, कवक, ठीक है, जितने भी कवक हैं सारे में कौन सा पोषण, मृत जीवी पोषण पाया जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो मृत जीवों से प्राप्त किया गया पोषण ही क्या कहलाएगा, मृत जीवी पोषण कहलाएगा। नंबर नेक्स्ट आता है आपका परजीवी पोषण, ओके परजीवी पोषण। देखिए मैं लास्ट में पोषण नहीं लिख रहा हूँ, आप उसको नोटबुक में जब नोट कीजिएगा तो उसको लिख लीजिएगा। परजीवी, यहाँ पर भी वही बात मैंने क्या कहा, डिवाइड कीजिए, पर मीन्स पराया, दूसरा, ओके, और जीव, यानी कि दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करना। अब कहोगे कि सर आपने तो कहा कि पर पोषण में भी पराया जीव से ही प्राप्त करता था, लेकिन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है सुनिएगा, पर पोषण में क्या था, पराया जीव से प्राप्त करता था, लेकिन यहाँ पर ना तो, जैसे मान लीजिए कि कोई जीव ए है और ये बी है, ये ए से भोजन प्राप्त करता है, ये जो बी है ए से भोजन प्राप्त करता है, तो अगर बी ए से भोजन प्राप्त करता है और ए पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो ये आएगा आपका परपोषण की श्रेणी में, ठीक है, ऐसे हम कह लें।
लेकिन जब परजीवी पोषण होता है ना, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जीव ए जीव जो है बी, अगर ए से भोजन प्राप्त करता है तो इस पर प्रभाव डाल देगा, यानी कि खाया भी इसी का और गवाया भी इसी का, इसका खाएगा भी और इसको प्रभावित करेगा भी। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ होती है बहुत सारे जीवाणुओं की वजह से, ठीक है, तो उसमें जनरली कौन सा पोषण, परजीवी पोषण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण कहलाएगा। आपने एक नाम सुना होगा अमर बेल का, नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में अमर लत्ती कहते हैं, जिसको आपने कभी देखा होगा किसी भी पौधे के ऊपर, यदि हम उसको उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल देते हैं तो क्या होता है, वह धीरे धीरे फैलता है और फैल करके पूरे पेड़ को जकड़ लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो पेड़ है जिस पर अमर लत्ती को रखा गया उस पेड़ को ही सुखा देता है। यानी कह लें कि ये जो अमर बेल था पेड़ पर आया, पेड़ से भोजन प्राप्त किया और पेड़ को ही खत्म कर दिया, यानी कि पेड़ पर प्रभाव डाला, तो कौन सा पोषण, परजीवी पोषण। समझ में आ गया होगा, यानी कि पराय जीव से पोषण प्राप्त करना परजीवी पोषण कहलाएगा, लेकिन सिचुएशन क्या है, कंडीशन ये है कि जिस जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को यह क्या करेगा, प्रभावित करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका प्राणी संपोषण, ओके, क्या आता है, प्राणी संपोषण। अब देखिए इसको भी डिवाइड कीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्राणी, प्राणी मीन्स जिसमें प्राण हो, यानी कि जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी जीव हैं सब प्राणी होंगे, ओके। सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स क्या होता है, समान के जैसा, है ना, मतलब उसके जैसा। पोषण यानी कह लिया कि प्राणी के समान पोषण प्राप्त करना ही पोषण क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्राणी के समान मतलब ये कैसा, ये कौन सा सवाल हो गया, तो प्राणी के समान कैसा, प्राणी किस टाइप का भोजन ग्रहण करते हैं, तो याद रखिए, देखिए सुनिएगा, प्राणी जो है जो भी, जैसे मतलब प्राणी कहने का मतलब जो विकसित प्राणी है वो, इसे याद रखिएगा, छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं, जो विकसित प्राणी है वो या तो कोई भी फूड पार्टिकल होता है उसको सॉलिड के रूप में लेता है, या नहीं तो उसको लिक्विड के फॉर्म में लेता है, किसके फॉर्म में लेता है, लिक्विड के फॉर्म में लेता है। तो सॉलिड जैसे कि आप लोग चावल रोटी वगैरह खाते हैं आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में क्या आ गया, दूध वाटर ये सब क्या आपका लिक्विड फॉर्म में आता है। तो देखिए सॉलिड और लिक्विड ये दोनों फॉर्म में जो जितने भी विकसित जंतु हैं वह भोजन लेते हैं, लेकिन जितने भी निम्न श्रेणी के जंतु हैं वह सॉलिड के रूप में फूड पार्टिकल्स को नहीं लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है और किसी भी जीव से प्राप्त करेगा तो शरीर के सतह से चिपक करके उसमें जितने भी लिक्विड फॉर्म में फूड पार्टिकल्स होंगे उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन सॉलिड चीज को वह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राणी जो होते हैं वह किस टाइप के भोजन ग्रहण करते हैं, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो जो जीव सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म का भोजन अगर ग्रहण करते हैं, दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे, यानी प्राणी के जैसा जो भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन आएगा कि प्राणी संपोषण किस में पाया जाता है, कुछ एग्जांपल बताते हैं, तो याद रखिएगा अमीबा जो होता है इसमें आपका प्राणी संपोषण पाया जाता है, ठीक है। अमीबा पता होगा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, मृदु जल में पाया जाता है और इसके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, स्ट्रक्चर जो इसका निश्चित नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में ये होते हैं। तो अमीबा क्या हो जाएगा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण, प्राणी संपोषण। तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पर पोषण के तीन टाइप याद रखिएगा मेनली आप लोग, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी किसे कहेंगे, मृत जीव से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाएगा शॉर्ट में, ओके। पराय जीव से पोषण प्राप्त करना यानी कह लें कि दूसरे जीव पर अस्थाई या अस्थाई रूप से पोषण प्राप्त करना परजीवी पोषण कहलाएगा, ओके। प्राणी संपोषण यानी कि प्राणी के समान पोषण प्राप्त करना प्राणी संपोषण कहलाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कवक याद रख सकते हो, ओके, कवक याद रख सकते हो आप, जीवाणु याद रख सकते हो, ठीक है, या अमरबेल याद रख सकते हो, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा। प्राणी संपोषण मैंने बता दिया, अमर क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। चलिए।